वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो है राइटिंग टास्क 2 के टेम्पलेट ऊपर। जैसे कि राइटिंग टास्क 1 के टेम्पलेट मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, आप वो जाकर चेक कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं राइटिंग टास्क 2 का टेम्पलेट। अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लमेटिक एसे। इंट्रोडक्शन देखते हैं। अवर वर्ल्ड हैज़ बीन रीलिंग अंडर न्यूमरस हैजर्ड्स इन विच डैश हैज़ बिकम मूड इशू। मूड इशू का मतलब होता है कि बहुत बड़ा इशू बन चुका है। इट हैज़ कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट ऑन अ सोसाइटी, मतलब इसका मतलब कि बहुत बुरा असर पड़ रहा है सोसाइटी में। अब हम इसकी थीसिस लाइन देखते हैं। दिस एसे अटेम्प्ट्स टू एलैबोरेट द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स एंड सजेस्ट सम रेडीमेड मेजर्स इन अपकमिंग पैराग्राफ्स। जो ये वाला थीसिस लाइन का मतलब है, जो ये वाला एसे है वो एलैबोरेट करेगा जो फैक्टर्स इस चीज़ में कंट्रीब्यूट करते हैं और जो मेजर्स कुछ मेजर्स बताएंगे आगे आने वाले पैराग्राफ्स में। जैसे कि BP1 की मैंने स्टार्टिंग की है, रिगार्डिंग द रीजंस स्लैश कॉजेज। BP2 की स्टार्टिंग की है, व्हेन इट कम्स टू सॉल्यूशन, जब हम सॉल्यूशंस के बारे में बताएंगे तब हम लिखेंगे व्हेन इट कम्स टू सॉल्यूशंस। जैसे कि कंक्लूजन मैंने लिखा है, टू कंक्लूड इट कैन बी एनालाइज फ्रॉम अबव डिस्कशन दैट। जैसे कि कंक्लूजन में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि हम ऊपर वाली डिस्कशन से ये चीज़ एनालाइज कर पा रहे हैं। यहाँ मैंने ऑल दो वाली कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यूज़ की है। काफ़ी बच्चों को डाउट होगा कि मैंने बट यहाँ क्यों नहीं यूज़ किया। हम ऑल दो राइटिंग में बट यूज़ नहीं करते, अकेला ऑल दो राइट करते हैं। और जो स्पीकिंग के बारे में बात करते हैं तो स्पीकिंग में ऑल दो और बट दोनों यूज़ करते हैं। जैसे कि ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मैंने यहाँ लिखी है, ऑल दो देयर आर न्यूमरस रीजन्स ऑफ दिस इशू सम सोल्यूशंस हैज़ बीन सजेस्ट टू कॉप दिस प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल। टू कॉप दिस प्रॉब्लम मतलब टू कंट्रोल दिस प्रॉब्लम, अदरवाइज इट विल हैव डेंटीमेटर इफेक्ट ऑन सोसाइटी। मतलब कि अदरवाइज अगर ये प्रॉब्लम कंट्रोल नहीं की गई एज सून एज पॉसिबल जल्दी से, तो इस चीज़ का बहुत बुरा असर पड़ेगा सोसाइटी में। इस तरीके से रजे मैंने टेम्पलेट लाइट किया। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।